Hello dear students, in this video we are going to start another very very important chapter and that is motion and time. Okay, तो ये chapter जो है बच्चों आने वाली जो classes होती हैं आपकी 9th 10th वहाँ पे आता है. okay, और बहुत ही important chapter है. okay, तो इसको आप समझिएगा. okay, आपकी book के आगे जा कर के parts अलग अलग हो जाते हैं, physics, chemistry, biology. okay, उसमें ये फिजिक्स का चैप्टर आपका बनता है और बहुत ही बेसिक सा ये चैप्टर है वो फिजिक्स का, जो कि आपको आना ही आना चाहिए. तो इसमें कुछ चीज़ें सिखाई गई हैं आपको, तो बड़े ध्यान से आपको उनको समझना है, सीखना है. ओके, और लर्न करना है. तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है मोशन एंड टाइम. तो पहले तो यहाँ चैप्टर का जो नाम दे रखा है इसको समझते हैं. मोशन, मोशन मतलब क्या? जब कोई चीज़ मोशन में होती है ना, चलती है, फिरती है, घूमती है, इट मीन्स कि वो मूवमेंट कर रही है. क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है. ठीक है, तो मोशन हो गया. ठीक है, जैसे कार है या कोई एनिमल है, ठीक है, या कोई इंसेक्ट है, इस तरह से है ना. तो मूवमेंट मतलब क्या है? मोशन है. और समझेंगे इसको. टाइम मतलब क्या? वो पल, वो क्षण जिस समय कोई चीज़ होती है. ओके, उसको कहते हैं टाइम. ओके, तो देखिए, द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. द मोमेंट, मोमेंट यानी पल या क्षण. द मोमेंट और ड्यूरेशन इन विच थिंग्स अकर, यानी चीज़ें होती हैं, वो पल जिसमें चीज़ें होती हैं, इज कॉल्ड टाइम. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, said to be in motion or moving when its position changes with time. तो हम motion को अगर हम scientifically define करें तो हम कैसे करेंगे? कोई भी object अगर अपनी position को समय के साथ साथ change कर रहा है. okay, मान लो कोई car है, अभी वो stop है, लेकिन जब वो चलती है तो हर minute बाद देखते हो उसकी जगह change हो रही है. For example, अभी मान लो यहाँ से start किया उसने, ठीक है, तो फिर यहाँ पहुँच गई, अगले मिनट यहाँ पहुँच गई, फिर अगले मिनट यहाँ पहुँच गई. तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है वैसे वैसे समय भी बदल रहा है. ठीक है, यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी जगह भी चेंज हो रही है ना. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह को, अपनी पोजिशन को समय के साथ साथ चेंज करता है लगातार, ठीक है, तो वो कब होगा? जब कोई चीज़ चल रही है तो इट मीन्स क्या है कि उसकी जगह चेंज हो रही है, उसकी पोजिशन चेंज हो रही है. और समय, तो घड़ी तो चलती रहती है, घड़ी को रुकती थोड़ी है ना. तो मान लो कोई बस स्टैंड से 11 बजे छूटी, अब वो चल रही है, तो 11 बजे से अगर घड़ी लगाएं तो वो चल रही है, घड़ी तो चल ही रही है, लेकिन बस की जो पोजीशन है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है. तो इसका मतलब क्या है? वो बस मोशन में है. ओके, इसी का उल्टा, अगर मान लो वो बस स्टॉप हो गई है तो क्या है? टाइम, तो टाइम को तो कोई नहीं रोक सकता, घड़ी तो चल ही रही है, लेकिन उसकी जगह चेंज नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि वो स्टॉप हो गई है. ओके, तो उसको बोलेंगे हम नॉट मूविंग, यानी स्टॉप. ओके, या फिर स्टेशनरी पोजीशन. ओके, यानी वो स्टॉप हो गई है. तो अब आपको क्लियर होगा कि मोशन कैसे कहते हैं, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जैसे यहाँ पे आया, देखो, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या? कोई भी चीज़, ठीक है, चाहे वो मशीन हो सकती है, चाहे वो मशीन मतलब व्हाट, कोई भी व्हीकल, जैसे कि चाहे वो इंसान हो सकता है, व्हाट एवर, कोई भी चीज़. ठीक है, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ को ही ले लो आप. ठीक है, ये भी तो मूव कर रही है, अपनी एक्सिस पे घूमती है और सूरज के चक्कर भी लगाती है ना. तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम. ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट भी करूँ तो इसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रखा है, ठीक है, एक डार्क डार्क लाइन से. तो ये हमारी मोशन की डेफिनेशन है जो कि आपको लिखनी है. ठीक है, मैं क्वेश्चंस दूंगा बाद में. फॉर एग्जांपल, व्हेन द पोजीशन ऑफ ए कार चेंजेस विद टाइम वी से दैट द कार इज मूविंग और दैट द कार इज इन मोशन. ठीक है, यानी कार अगर अपनी, मैंने बस का एग्जांपल दिया, यहाँ कार का एग्जांपल दे रखा है, बात वही है. ओके, द मोशन और मोमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑफ सेम टाइप. तो
जो बच्चों जो मोशन होती है वो एक ही तरह की नहीं होती है, अलग अलग तरह की मोशन हो सकती है। ओके, हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा हो रोड पे, हो सकता है वो गोल गोल घूम रहा हो किसी सर्कुलर पाथ में, चक्कर लगा रहा हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो खेल करते हैं ना, वो एक कुएं के अंदर मौत का कुआं देखा होगा, मोटरसाइकिल कैसे चलती है उसमें, गोल गोल ऐसे चलती है ना, तो हो सकता है ऐसे, वो भी तो मोशन है, रोटेशनल मोशन। हो सकता है वो चीज़ अपने एक्सेस पे घूम रही हो, जैसे झूला होता है आपने देखा होगा गोल गोल घूमने वाला, है ना, तो वो अपने एक्सेस पे ही घूमता है, घूमता है नहीं घूमता है, या फिर ऐसे 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 करके जो झूला होता है ना, वो अपने एक्सेस पे ही घूमता है, ऐसा हो सकता है, पीरियोडिक मोशन हो सकता है। तो इनको डिटेल से देखते हैं, कहने का मतलब ये है कि मोशन जो है वो कई तरह की हो सकती है, वो कौन कौन से तरह की हो सकती है आगे पढ़ते हैं। ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन और मूवमेंट्स। इन क्लास 6 वी हैव लर्न दैट, अब क्लास 6 तो आपने कोरोना की वजह से पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ रिपीट करके दिया हुआ है आपके लिए, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्क्युलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। ओके, तो देखो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधे सीधे, जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे सीधे रोड पे चल रहा है तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी लाइन में, ठीक है, सीधा सीधा चल रहा है तो जनरली स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं, है ना, जैसे व्हीकल्स हैं या फिर कोई भी इंसान है, जनरली हम क्या चलते हैं, सीधे तो चलते हैं, है तो ये आपके डेफिनेशन हो जाएगी, मोशन है ना स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अब इसका अगर एग्जांपल देखें तो इन अदर वर्ड्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब इसको सरल भाषा में बोला गया है कैसे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता है, अलोंग विथ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी सीधे सीधे, इट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जो आपको समझ में आए वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ऊपर वाले भी लिख सकते हो, नीचे वाले भी लिख सकते हो, आसान है। ठीक है, द मोशन ऑफ अ बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रीट रोड इज रेक्टिलिनियर मोशन, बुलक कार्ट मतलब जो बैलगाड़ी होती है उसको कहते हैं, जैसे मान लो कोई बैलगाड़ी है, यहाँ पे आप कार लिख सकते हो, बस लिख सकते हो, कुछ भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, कोई व्हीकल मूविंग ऑन अ स्ट्रीट रोड, वो किस पे मूव कर रहा है, स्ट्रीट रोड पे मूव कर रहा है, सीधे सीधे रोड पे मूव कर रहा है, तो बताइए जो बैलगाड़ी है वो कैसी मोशन में है, रेक्टिलिनियर मोशन में, क्यों, क्योंकि वो सीधे सीधे चल रही है, सीधे रोड पे चल रही है, समझ में आई बात, सिंपल सी। ओके, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ए रेक्टिलिनियर मोशन विच टेक्स प्लेस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन स्ट्रेट रोड। ठीक है, हॉर्स पुलिंग ए कार्ट मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है, ठीक है, वो भी इस तरह से, द मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज, मान लो सीधा सीधा कोई पुल है उस पर रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, एंड अ मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, जो सोल्जर्स होते हैं आपने देखा होगा जनरली वो लाइंस लाइन से चलते हैं, नहीं चलते हैं एक सीध में ना, ऐसे करके। ओके, तो नाउ आई होप आपको रेक्टिलिनियर मोशन समझ में आ गया है विद एग्जांपल। ओके, आगे देखते हैं, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों, सर्कुलर जैसे नाम से पता चल रहा है, सर्कुलर यानी सर्कल, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, किसी सर्कल के कोई रास्ता, देखो सीधा भी हो सकता है, हो सकता है जो रास्ता है वो कैसा है, गोल गोल है, ठीक है, ऐसे करके जैसे ग्राउंड होता है ना इस तरह से, तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ए राउंड पाथ, पाथ कैसा है, राउंड है, हैविंग द शेप ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ, पहले तो आपको समझना होगा सर्कुलर पाथ कहता होता, पाथ
पाथ यानी रास्ता, सर्कुलर रास्ता। अगर कोई रास्ता राउंड पाथ है वो कैसी की शेप में, सर्कल की शेप में, कोई सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कल की शेप वाला पाथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो बहुत आसान है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ऑर्बिट। अब सर्कुलर, अब आप ये भी समझना कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सर्कुलर, बिल्कुल गोल होना चाहिए, बिल्कुल एकदम गोल, ठीक है, बिल्कुल जैसे पहिया होता है ना साइकिल का, बिल्कुल गोल ऐसा नहीं है। हो सकता है वो ओवल शेप में हो लेकिन वो लगा चक्कर ही रहा है इस तरह से, चाहे वो बिल्कुल गोल लगाए, चाहे फिर ऐसे करके लगाए, चाहे वो ऐसे करके लगाए, लगा तो चक्कर ही रहा है ना, समझे इधर। तो सर्कुलर बिल्कुल रास्ता भी हो सकता है या सर्कुलर ऑर्बिट भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको पता है, जैसे अर्थ है हमारे सूरज के चक्कर लगाती है, मून है हमारी अर्थ के चक्कर लगाता है ना। तो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ए सर्कुलर मोशन। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द मोशन आर सर्कुलर मोशन आर मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड मतलब ऐसे कोई बच्चा है गोल गोल घूम रहा है ऐसे करके, है ना, किसी ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है या साइकिल चला रहा है उस पर। एंड मोशन ऑफ पैडल्स ऑफ मूविंग बाइसाइकिल, आपने देखा होगा साइकिल के जो पैडल हैं वो घूमते रहते हैं ऐसे करके, है ना। तो वो सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है ऐसे सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ केवल अपने ही धुरी पे, अपने ही एक्सिस पे घूम रही हो, ठीक है, उसको कहते हैं रोटेटर। देखो रोटेश क्या हो गया, रोटेशनल, जैसे पंखा होता है तो पंखा क्या करता है अपने एक्सिस पे घूमता है ना, है ना, तो क्या है वो रोटेट कर रहा है। अर्थ है हमारी जो धरती है वो भी अपने एक्सिस पे घूमती है, इसी की वजह से तो दिन रात होते ही है ना। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स और स्पिन्स, स्पिन्स यानी घूमना, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, किसी फिक्स्ड एक्सिस की अबाउट मतलब उस पर घूमती है दूरी पे, इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, राइट। द अर्थ टर्न्स अराउंड एंड राउंड ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ स्पिनिंग टॉप, सो द स्पिनिंग ऑफ अर्थ, तो हम एक कह सकते हैं कि स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, ठीक है, या फिर टर्निंग ऑफ ब्लेड ऑन अ फैन, ब्लेड यानी जो पंखड़ी होती है, ये पंखा होता है उसकी जो पंखड़ी है वो भी तो घूमती है अपने एक्सिस पे, ठीक है, रिप्रेजेंट्स रोटेशनल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, देखो जब कोई रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी जो पोजीशन है उसको रिपीट करे, ठीक है, अपनी मोशन को रिपीट करे। आपने देखा होगा घड़ी देखी होगी पेंडुलम वाली, तो वो कैसे करती है, वो यूँ ट्यूं 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 ऐसे चलती है, नहीं चलती है, यहाँ तक जाएगी फिर वापस आ जाएगी, फिर इधर यहाँ तक जाएगी फिर वापस आ जाएगी, ऐसे ऐसे चलती है, ये क्या है पीरियोडिक मोशन। तो निश्चित इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, मान लो यहाँ स्टार्ट हुई 5 बजे, तो 5:05 पे वो यहाँ पहुँच गई, फिर लौट आई, फिर अगले 10 सेकेंड में ऐसे करके ऐसे करके। तो निश्चित इंटरवल के बाद हर 5 सेकंड के बाद वो वापस से आ रही है और इस तरह से वो रिपीट कर रही है वो मोशन को, है ना। तो मोशन विच रिपीट्स इट सेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद वो अपनी स्पीड को, अपनी मोशन को रिपीट करती है, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, या फिर उसको दूसरे नाम से भी कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन, द स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम
जो पेंडुलम होता है ना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सम अदर एग्जाम्पल्स आर मोशन ऑफ स्विंग, जो झूला होता है बच्चों, आपने देखा होगा झूले पे झूलते हैं आप ऐसे करके, है ना, ऐसे करके झूला डाल लेते हैं, ऐसे करके ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आगे की तरफ आते हैं, फिर ऊपर पीछे आगे, इस तरह से चलता है, नहीं चलता है। तो वो क्या है, एक तरह की वो पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, मोशन ऑफ हैंड्स एन एथलीट, एथलीट मतलब जो जो दौड़ दौड़ करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं रनिंग, ठीक है, तो उनके हाथों का आपने देखा होगा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अगर आप भी दौड़ो तो आपके भी हाथ ऐसे मूव करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो क्या है, एक तरह के हाथों की हमारी कैसी मोशन हो जाएगी, पीरियोडिक मोशन हो जाएगी। मोशन ऑफ ए चाइल्ड और ना सी शॉ, सी शॉ आपने देखा होगा, एक बच्चा इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से, है ना, वो सी शॉ होता है। एंड मोशन ऑफ हैमर इन इलेक्ट्रिक बैल, जो घंटी इलेक्ट्रिक बैल होती है, इस तरह से एक क्या होता है, एक लोहे की बनी हुई क्या होती है, एक घंटी होती है ऐसे करके, एक उस पर हथौड़ा सा होता है छोटा सा, और हथौड़ा जो है किससे चलता है, बिजली से चलता है, टक 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 ऐसे करके, तो वो जो आगे पीछे ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो पीरियोडिक मोशन है, ऐसे करके रिपीट हो रही है ना मोशन ये। तो कई सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वो रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, है ना। तो मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, क्या आपको होमवर्क में करना है बच्चों, ये आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं और बुक रीड करेंगे और आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ओके, यहाँ डेफिनेशन लिखनी है मोशन की और फिर एग्जाम्पल आपको देना है। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर मोशन विद एग्जाम्पल। एक्सप्लेन, नेक्स्ट है एक्सप्लेन सर्कुलर मोशन विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रोटेशनल मोशन विद एग्जांपल। क्वेश्चन फिफ्थ है एक्सप्लेन, यहाँ पे एक्सप्लेन लिखना भूल गया हूँ मैं, लिख लेना आप, एक्सप्लेन पीरियोडिक मोशन विद एग्जांपल। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।